What's up, you guys? This was not the video I was planning to make today, lekin when life gives you lemons, what do? You make lemonade. So check this out. This is what happened, all right? Look at my bike. I was planning to go for a ride today. Achha mausam hai, Sunday ka din hai. So I was taking out my bike, trying to start it, and look, this is what I found. Kya aap dekh sakte ho, guys? Kya hua hai? Looks like a bunch of rats has been feasting on my bike. Pura wiring harness kha gaye hai ye log. Check this out, how bad this is. So guys, अभी सीन ऐसा कुछ चल रहा है कि I'm looking into the bike to see कि और कोई डैमेज है कि नहीं, and this is what I found so far. Check this out. So ये है एक जगह जहाँ से rats वायर पूरा खा गए हैं. Can you see this, guys? I don't know if you can see this or not. Yeah. Okay. Now check out this other side. तो दिस इज़ द ऑपोजिट पार्ट, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छे से दिख रहा नहीं है क्योंकि काफ़ी डार्क है, बट मैं अपना मोबाइल का लाइट जला के आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ. क्या आप देख सक रहे हो? लेट मी ट्राई टू शो यू. हाँ, या आई थिंक यू कैन सी इट फ्रॉम हियर. हाँ, कैन यू सी दैट ग्रीन वायर दैट्स ब्रोकन अप? एंड नाउ चेक आउट दिस वन ऑल्सो. ये अंदर का आपको दिखा रहा है? हाँ. ओह मैन, दिस इज़ बैड. सो बाइक का इलेक्ट्रिकल कंसोल तो ऑन हो रहा है गाइस, चेक दिस आउट. सो आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन. लो फ्यूल वार्निंग दे रहा है, लेकिन बाइक में मोर देन हाफ अ टैंक ऑफ फ्यूल है. बोथ द लाइट्स आर आल्सो ऑन, सो चेक दिस आउट. बाइक इज ऑलरेडी ऑन न्यूट्रल एंड आई ट्राई टू स्टार्ट इट. तो आप देख ही सकते हो क्या हो रहा है. एंड द इशू इज़ कि जो लास्ट सर्विस सेंटर में मैं गया था, जो मेरे घर के पास में ही है, दैट जस्ट क्लोज डाउन वंस वन मंथ अगो आई थिंक बिकॉज ऑफ सम कोविड रीजन. सो गाइज, अभी ऐसा सीन है कि मैंने यामाहा सर्विस सेंटर्स में कॉल किया है पता करने के लिए कि क्या किया जा सकता है अभी बाइक के लिए. एंड द बिगेस्ट इशू इज़ कि हर एक यामाहा सर्विस सेंटर में R3 का सर्विस और मेंटेनेंस नहीं किया जाता है. देर आर ओनली सेलेक्टेड सर्विस सेंटर्स जहाँ पे R3 के ऊपर काम किया जाता है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कॉल अप पीपल एंड सी कि क्या किया जा सकता है बाइक के लिए. It's been a couple of days since the whole situation with the bike happened. और last 2-3 दिन से struggle यही है कि मैंने हर एक यामाहा डीलर को कॉल कर लिया trying to locate a wiring harness for the R3. एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि जो तरीके से चूहों ने पूरा वायरिंग हार्नेस को काटा है, लगता नहीं कि वो रिपेयर हुआ जा सकता है. सो मेरा प्लान है कि एक नया पूरा किट लगाने का, और कैलकटा में R3 का वायरिंग हार्नेस कहीं भी अवेलेबल नहीं है. एक्चुअली एक वायरिंग हार्नेस हमें मिला था जो था ABS वर्जन के लिए, और मेरा बाइक नॉन ABS वर्जन है, और कपल ऑफ पिंस आर देयर जो डिफरेंट है. सो वो काम नहीं करेगा ऑब्वियसली. सो वी आर कॉलिंग दिल्ली एंड बॉम्बे ट्राइंग टू सी कि वहाँ पे अगर हमें किट मिल सकता है तो वायरिंग हार्नेस का. बट जो डीलर्स मुझे बोल रहे हैं कि वहाँ पे भी ज़्यादा चांसेस तो लग रहा नहीं है मिलने का, मोस्ट लाइकली विल हैव टू ऑर्डर इट. सो मैं अभी जा रहा हूँ तोप्सिया के सर्विस सेंटर, जो कैलकटा का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर है यामाहा का, और वहाँ पे जाके पता करते हैं कि कैसे ही ये हार्नेस को हम लोग सबसे जल्दी पहुँचा सकते हैं और बाइक कितने टाइम तक ठीक करवा सकते हैं. सो गाइज, अभी मैं अपने एक दोस्त के घर पे आया हूँ जो है नियर बाय द सर्विस सेंटर. आइडिया वॉज टू गो शूट एट द सर्विस सेंटर और टू शो यू कि क्या है प्रोसेस टू गेट द बाइक फिक्स, बट वहाँ पे सिचुएशन ही कुछ ऐसा हो गया कि मेरा एकदम मूड नहीं किया वहाँ पे शूट वूट करने का. सो द थिंग राइट नाउ इज़ कि 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं हार्नेस को आने के लिए. कैन यू बिलीव इट गाइज? सो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 45 days जैसा लग जाएगा फॉर द बाइक टू बी ऑन द रोड, विच इज़ सो डिसअपॉइंटिंग. आई डोंट नो व्हाट टू से. Well, we all take a hit in life. That's just the way it is. और as soon as the bike is gonna be fixed, उसके बाद हम लोग bike का एक update video भी करेंगे. So for now, enjoy the B-roll and I'll catch you guys on the next one. Peace.